नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। नए साल के शुरुआत के साथ राजनीतिक दलों की हलचल भी शुरू हो गई। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, जिसने इस कड़ाके की ठंड में भी आप देखिए कि राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में यात्रा तो कर ही रहे हैं, अब दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसे लेकर के तमाम सवाल उठने लगे हैं। दरअसल MY समीकरण की राजनीति करने वाली राजद और तेजस्वी को अब मुस्लिम वोट खिसकने का डर सताने लगा है। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में इसलिए क्योंकि अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीमांचल की तरफ रैली करने की तैयारी में हैं, जिसे लेकर के अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर तेजस्वी को किसका डर सता रहा है, ओवैसी या फिर अमित शाह? तेजस्वी किसकी पकड़ से घबराए हैं? तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू यादव जो माए यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण की जो राजनीति करते हैं, एक अरसे तक छाया रहा। ना सिर्फ छाया रहा बल्कि लालू यादव ने इसके दम पर अरसे तक राज भी किया, लेकिन अब ओवैसी ने इस किले में सेंध लगाना शुरू किया तो अब तेजस्वी कहीं ना कहीं घबराते नजर आ रहे हैं। कहीं ये उसी का हाल तो नहीं कि तेजस्वी को यात्रा पर अब निकलना पड़ रहा है? और उसको लेकर के RJD ने एक पूरी प्लान भी तैयार कर ली है, एक रूपरेखा तैयार कर लिया गया है कि किस तरीके से वो यात्रा करेंगे। तेजस्वी लगातार RJD के A to Z पार्टी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये बखूबी पता है कि असुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ सीमांचल के बहुत कुछ वहां पर दाव पर लगा है। ओवैसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है और विभाजन का कारण भी कहीं ना कहीं AIMIM बनता जा रहा है, यही RJD की चिंता भी है। इसके अलावा ओवैसी ने खुले मन से ये कहा था, आपको याद दिला दे कि हम देश में किसी और जगह से चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन बिहार के किशनगंज से अपना उम्मीदवार जरूर उतार देंगे। अब ओवैसी के इसी दावे ने महागठबंधन में खलबली मचा दी थी और इसी के साथ BJP ने भी 2024 की लड़ाई की शुरुआत सीमांचल से ही की थी। अमित शाह वहां पहुंचे थे बीते महीने और वहीं से उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर के शंखनाद किया था और अब तेजस्वी भी उसी जगह से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में 16% मुस्लिम मतदाता हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के बनने और बिगड़ने में अहम रोल रखते हैं, बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। बिहार में हुए सियासी बदलाव के बाद गोपालगंज और कुड़नी उपचुनाव में मुस्लिमों का एक तबका असुद्दीन ओवैसी के साथ भी कहीं ना कहीं खड़ा नजर आया, जिससे नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई। ऐसे ही मुस्लिमों को साधने में उसके बाद नीतीश कुमार जुट गए। खैर, फिलहाल 2024 को लेकर के बिहार की प्रमुख पार्टियां अब राजनीतिक दल का परीक्षण करने के लिए मैदान में उतर गई हैं। इसी कड़ी में राजद ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए सीमांचल के लिए अलग से प्लान तैयार किया। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा पर जाने वाले हैं। यात्रा का प्लान बना लिया है, अब आगे इन यात्राओं से क्या कुछ देखने को मिलेगा, किसको लाभ और किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।